आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, बट आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, आपका जज्बा नहीं ठहरना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात को? आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, बट आपकी सोच और आपका जज्बा नहीं ठहरना चाहिए। अगर आपका जज्बा और आपकी सोच ठहर गई तो आप यूँ ही ज़िंदगी भर गुजर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज मैं केमिस्ट्री का नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पहले से लिख रखा है। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट पहले ले लें, फिर मैं आपको इसको बहुत ही इजीली तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म समवयवता क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चर संरचनात्मक, दूसरी होती है स्टेरोस्मेरिज्म मतलब प्रकाश समवयवता। ये समवयवता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामिति ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिक मतलब एक प्रकाशी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये पांच टाइप के होते हैं, चेन श्रृंखला, ठीक है, पोजीशन स्थान समवयवता, फंक्शनल ग्रुप का होता है, मेटामेरिज्म मध्यवयवता होता है, टॉटोमेरिज्म जो है जब कोई अल्फा जो कार्बन होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में जो समवयवता होती है वो होती है। ओके, तो मैं वन बाय वन एक एक करके आपको समझा देता हूँ। चेन में आ जाइए, चेन जो है श्रृंखला समवयवता जो है वो किस में होती है, एल्केन्स में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एल्केन में जो है श्रृंखला समवयवता होती है। मैंने एक एल्केन लिख रखा है आपकी एग्जांपल के लिए, समझने के लिए कैसे होती है ये भी आप समझ लीजिए। C4H10 दिया हुआ है, C4H10, तो C4H10 का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया चैन, चैन का, ठीक है। तो चेन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C4H10 यहाँ पे लिखा हुआ, आप कुछ भी ले सकते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल से दे देता हूँ, सी सी एंड सी एंड सी, एक चार हो गए, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। इन सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हमने लगा दिया इस पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो एक पूरा का पूरा एल्किल समूह दिया हुआ है, मिथिल समूह, इसको उठा के कहीं बीच पर सेट करना है। बस यही समवयवता होती है, इसमें यही करना है आपको। ये तीन हो गए, मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर एक H हो गया। आप काउंट कर लीजिए, सेम टू सेम आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके कोई भी आप यहाँ पर इसको चेंज करके यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो है संकट समवयवता होती है, ये एल्केन में पाई जाती है, एल्केन में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसलिए इसमें ये पाई जाती है। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी दूसरा ले सकते हैं, जैसे कोई भी C5H12 ले सकते हैं या कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अच्छा, ये जो चेन वाला है ये ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, बट ज़्यादातर पूछते हैं पोजिशन वाला, ठीक है, क्योंकि पोजीशन में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्योंकि पोजीशन और फंक्शनल दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मैं इसका भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहले सारा आपको लिख करके समझा दिया है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझना है कि कैसे क्या इसका एग्जाम्पल यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये देखिए चैन का हो गया एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल आपको समझाने नहीं है मुझे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जिससे आप एग्ज़ाम में बस 2 सेकंड के अंदर पहचान ले कि कैसे क्या बन रहा है। अगर एल्केन दी हुई है, एल्केन में सिंपल वन बॉन्डेड चेन दी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें श्रृंखला समवयवता ही होगी। ठीक है, आपको उसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। ओके, अब आ जाइए पोजिशनल में। पोजिशनल जो है वो किस में होता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी एलिमेंट्स दिए होंगे उसमें पोजिशन के होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो पोजीशन वाले का एग्जांपल मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH CH2। ठीक है, एक दो तीन, एक बॉन्ड कम है यहाँ पे, आई थिंक मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ये थ्री CH3। ओके, अब आई थिंक ठीक है, CH3 CH एक अभी और कम है यहाँ पे, CH2। लगता है टेक्निकल टीम ने सही से काम नहीं किया, इसलिए जो है यहाँ पे बॉन्ड की संख्या कम हो गई है। कोई बात नहीं, मैथ एथ प्रो ब्यूटी, ये ब्यूटीन है।
तो ये नॉर्मल ब्यूटीन है। अगर इस ब्यूटीन की ये वाले बॉन्ड को उठाकर यहाँ पर या ये वाले बॉन्ड को उठाकर यहाँ पे लगा दिया जाए तो इसमें जो समायोजता बनेगी उस समायोजता को क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस टाइप का जो भी जो आइसोमेरिज्म होता है, जो समायोजता होती है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने CH3 ले लिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी एलिमेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा उसमें, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया है तो उसमें भी जो है पोजिशनल समावयवता आ जाती है, आ सकती है। आपके लिए ये समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा अब तीसरे पे आ जाइए, फंक्शनल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि कभी कभी पोजिशनल में क्या करते हैं कि एक OH ग्रुप को लिया, उसको उठा के कहीं और लगा दिया तो वो पोजिशनल में पहुँच जाता है और फंक्शनल में भी हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप टेंशन ना लें, आराम से आप चलते रहिए और सीखते रहिए। तो फंक्शनल में आ जाइए, फंक्शनल में क्या होता है, देखिए पहले मैंने तीन ग्रुप रख रखे हैं, ROH, ROR, तीन हैं। तो इसमें पहले है एल्कोहल और एस्टर, सॉरी ईथर। ईथर वाले का जो एग्ज़ाम्पल है ये आप ऐसे समझ लीजिए, जो एल्कोहल हो गया एक C2H5OH, मैं इसके एग्ज़ाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक C2H5OH, C2 यहाँ पर C और ये C2 हो गए, तीन दो पाँच, पाँच हो गए और OH, ये एक आपका एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। इसका अगर कंस्ट्रक्शन फार्मूला देखेंगे तो ये है, इसका जो नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा C2H6O, इसका भी फॉर्मूला है C2H6O डाइमेथिल ईथर। ईथर और एल्कोहल, ईथर और एल्कोहल में कौन सी समावयवता होती है, तो वो होती है फंक्शनल ग्रुप समावयवता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सिंपल तरीके से, एक एग्जांपल दिया हुआ होगा उसका बताना होगा कि कौन सी समावयवता इसमें है या कौन कौन सी हो सकती है। अब दूसरा है RCOOHRCOOR, ये है कार्बोऑक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में। आपसे एक बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एस्टर और कार्बोऑक्सिलिक एसिड में कौन सी समावयवता पाई जा सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है CH3CH2COOH, ये क्या है हमारा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है प्रोपोनोइक एसिड। ठीक है, फिर दूसरा दिया है मेथनोएट एस्टर, RCOOR, आर ये हो गया, COOR ये हो गया, इसमें जो समायोजता होगी वो समायोजता कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप की जो समायोजता होगी वो होगी। ओके, फिर तीसरे में आ जाइए RCOR, ये होता है कीटोन। फिर दूसरा क्या है एल्डिहाइड, RCHO CH3CHO। ठीक है, इसका भी एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, RCO मतलब CH3CO CH3 लगा दीजिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा, तो उसमें जो भी समावयवता बनेगी वो समावयवता किसके अंतर्गत आएगी, फंक्शनल। ज़्यादातर क्वेश्चन फंक्शनल से आएंगे या फिर इससे आएंगे, स्टेरॉइड मतलब प्रकाशिक समावयवता से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके दो या तीन एग्जाम्पल हैं आपको, वही मैं वही याद करा दूंगा, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से एग्जाम में जाइए और उसको छाप दीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया, इसको हटाइए। फिर आ जाइए मेटामेरिज्म में, मध्यावयवता क्या होती है। मध्यावयवता में आप ये समझ लीजिए बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है ग्रुप से। ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आपने ग्रुप कहीं पे लगाया, ग्रुप उसे उठाकर कहीं और ले गया, पोजिशनल हो गया, बट इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको चेंज करें। देखिए यहाँ एक दो तीन, एक दो पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक दो तीन पे आ गया, ये जो समावयवता है इस समावयवता को कहते हैं मध्यावयवता। किस में पाई जाती है, एस्टर में पाई जाती है। ठीक है, एस्टर में भी पाई जाती है, कभी कभी ईथर में भी पाई जाती है। ठीक है, फिर आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टियोटोमेरिज्म। इसमें क्या है, इसमें NO2 और साइनाइड का जो कीटोन ग्रुप दिया हुआ है उसके साथ में ये होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल सेम टू सेम उठा के यहाँ पर छाप दिया है। CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है अल्फा हाइड्रोजन्स के बीच बॉन्ड्स का ट्रांसमिशन होता है, और उस बॉन्ड के ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर जो H दिया हुआ है वो H यहाँ पर इसके O के पास जाकर के अपना सिस्टम सेट कर लेगा। सिस्टम सेट में समझते ही होंगे आप तो, है ना। तो यहाँ पर जाकर के देखिए, यहाँ पर H दिया हुआ है, ये OH यहाँ पर आ गया, यहाँ पर O था, यहाँ पर OH आ गया। बस ये जो समायोजता होती है, इसी समायोजता को जो है हम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं यार, मैं देख लेता हूँ, हिंदी में आपको बता देता हूँ, चलावयवता कहते हैं इसको, आई थिंक। हाँ, चलावयवता कहते हैं, चलावयवता मतलब हाइड्रोजन अपनी जगह से मूव करके जा रहा है, मतलब घूमने फिरने जा रहा है, मज़े करने जा रहा है। जैसे आप कभी कभी पढ़ने के बाद बहुत बोर हो जाते होंगे तो घूमने चले जाते होंगे,
किसके साथ जाते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, बट फिर भी जाते तो होंगे ही ना। कभी रबड़ी खाने चले गए, कभी रसमलाई खाने चले गए, कभी चमचम खाने चले गए, अपनी रसमलाई के साथ गए, अपने चमचम के साथ गए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ जाना है ना। बट जाइए, जाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, बट उसके साथ में आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करनी है, दूसरा फ्यूचर गोल्स का बने भी रहना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा इतना हो गया ना, थोड़ा मैं पढ़ाई पे आ जाता हूँ फिर से। मैं आपको एक बार क्विक रिविज़न दे देता हूँ कैसे क्या करना है। स्ट्रक्चरल में आएगा चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ऑटोमेरिज्म, ठीक है। चलाव्यवता ये आएंगे इसमें। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, ये एल्केन में मिलेगा, ये एल्कीन और एल्काइन में मिलेगा, ये आपको सारे ग्रुप्स वाले उसमें मिलेगा, ठीक है। मेटामेरिज्म आपको इथर में मिलेगा, ये आपको मिलेगा NO2 नाइट्रो में मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखे हैं आपको, बहुत बहुत ही सावधानी पूर्वक मैंने समझाया है। आप इसका बहुत प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, ठीक है। और इसके आगे जो है हम फिर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट जो है एस्टेरो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का पार्ट जो है प्रकाशिक समावयवता में जो है ज्यामिति वाला पार्ट और प्रकाशिक वाला पार्ट। तो ज्यामिति वाले में हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। ओके तो क्या होगा इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिए होंगे, उस एग्ज़ाम्पल को बहुत ही आसानी से आपको समझाना है। देखिए मैलिक अम्ल दिया हुआ, फार्मूला इसका ये दिया हुआ है, अगर ये दोनों की दूरी बिल्कुल पास पास मतलब सामने सामने दिख रहे हैं तो वो जो है सिस फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो ज्यामिति समावयवता है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा मेरे हिसाब से, तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप थोड़ा जल्दी से समझ लीजिए क्या होता है इसमें प्रकाशिक समावयवता और ज्यामिति समावयवता। सबसे पहले जो ज्यामिति वाली दी हुई है इसमें देखिए मैलिक एसिड का मैंने चित्र बना रखा है आपके लिए, सी डबल बॉन्ड COH, COH, HH। यहाँ पर देखिए इनके बीच डिस्टेंस कम है इसलिए सिस है, ये सिस फॉर्म है। और दूसरा वाला फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म दिया, ये फ्यूमेरिक एसिड है, दोनों में अलग अलग है। ये किस में पाया जाता है, सिग्मा बंद में पाया जाता है, पाई बॉन्ड में नहीं पाया जाता है, एल्केन में नहीं पाया जाता है, डबल बॉन्ड में ही पाया जाता है। ओके एग्जाम में आपसे यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि किस में ज्यामिति समावयवता पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। फिर दूसरे में आ जाइए, प्रकाशिक समावयवता में अकिरेल और किरेल अणु क्या होते हैं। अकिरेल अणु ऐसे अणु होते हैं जिनको हम दो बराबर भागों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बीच से काट सकते हैं आराम से, जिससे वो अलग हो सके। जैसे एक ऐसे आप याद रखिए कि कोई तीसरा पर्सन आ करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अलग अलग कर दे, वही पार्ट इस तरह से, समझ रहे हैं ना हम बात को। फिर जो है किरेल अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनका बीच से काटने पर वो सेम टू सेम ना दिखे। जैसे कि आप अगर ये स्केज लेंगे, अगर आप इसको ऐसे कैसे कैसे भी काटें, आप इसको दो बराबर पार्टों में नहीं काट सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये जो किरेल अणु होते हैं, किरेल अणु पर जो संकरण sp3 होता है, आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैक्टिक एसिड जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। अगर ये मैं मिरर में रखता हूँ तो देखो ये मिरर में रखने पर ऐसा हो जाता है, इसका H इस तरफ आ जाता है, ये यहीं पर है, ये इधर आ जाता है इस साइड में, और ये वाला उधर पहुँच जाता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड का सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब समझिए कि जो किरेल अणु हैं वो प्रकाशिक समावयवता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स लेते हैं, उसके सामने एक निकोल प्रिज्म लगा देंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के वेरिएशन को आने देगा, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक टाइप के वेरिएशन को आने देगा, जैसे वो एक टाइप का वेरिएंट जो सॉल्यूशन पर आके टकराएगा, सॉल्यूशन पर टकराने के बाद में जो किरेल अणु है वो उस लाइट वेव्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। वो जो क्रिया होती है, वो जो क्रिया से एलिमेंट का जो ये लक्षण प्रदर्शित होता है, उस प्रदर्शन को कहते हैं हम प्रकाशिक समावयवता। आप चाहें तो एक बार सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक लाइट सोर्स ले लिया, ये लाइट सोर्स है, मैंने यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। ऐसा लगा दीजिए, आप ऐसे कैसे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक हमने सॉल्यूशन रख दिया। जैसे आप इसे सॉल्यूशन रखेंगे, सॉल्यूशन रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है इसमें से एक टाइप के वेरिएशन आगे निकल के आएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर हमें लाइट, ये क्या है हमारा, ये हमारा लैक्टिक एसिड है, मान लीजिए लैक्टिक एसिड है हमारा ये।
अगर ये लैक्टिक एसिड है तो हमें यहाँ पर ये क्लॉकवाइज टाइप के वेरिएशन मिलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे, मतलब ये ऐसे घूमे हुए होंगे या ऐसे घूमे हुए होंगे, ठीक है। जो इस टाइप के वेरिएशन मिलते हैं इस पे किरियल अणु में, उन अणुओं की वजह से इस समावयवी पदार्थ को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको समझना है चीज़ों को किस हिसाब से ये बन रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आपको छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। मैलिक एसिड दिया हुआ है, जमित समावयवता में पाया जाता है, इसका फ्यूमरिक एसिड में ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांस होता है, ये सिस होता है। एक एग्जांपल नीचे भी लिख दिया है मैंने, पाई बॉन्ड्स में नहीं पाया जाता, सिग्मा में पाया जाता है, एल्केन्स में ये नहीं पाया जाता है। वैसे ही किरियल अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु जो अपनी समा मतलब ऐसे आप याद रखिए इसको कि अगर हम बीच से काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं दिखेंगे, ठीक है, अनइक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले सब चेक कर लीजिए इसको। इसमें लैक्टिक एसिड आता है जिसमें प्रकाशिविक गुण होते हैं जो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इन रेज को मूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये निकोल प्रिज्म है, ये सनलाइट है, ये क्या है, सोल्यूशन लैक्टिक एसिड का है। इसमें से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमें अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।